अमेरिकी चुनाव में वोटिंग के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन जीत रहा है। चुनावी सर्वे के आधार पर इसे अब तक का सबसे नजदीकी चुनाव और कांटेदार चुनाव बताया गया है। हालांकि पिछले कुछ सर्वे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस से आगे निकलते दिखाया गया, लेकिन ये अभी भी बहुत करीबी मुकाबला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव में विजेता कौन होगा, इसका फैसला वोटर्स का टर्नआउट पर निर्भर करेगा। चुनाव को लेकर लेटेस्ट गैलप पोल के मुताबिक इस बार आधे से ज्यादा यानी कि 54% मतदाताओं के 5 नवंबर को वोटिंग की तारीख से पहले ही मतदान किए जाने की उम्मीद है। ये 2020 के 64% चुनाव पूर्व वोटिंग से कम है। ये बताता है कि इस बार ज्यादा मतदाता व्यक्तिगत तौर से अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं या फिर मतदान नहीं करेंगे। बार इलान यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर आइटन गिलबुआ का मानना है कि ये हाल के दशकों का सबसे नजदीकी अमेरिकी चुनाव है। खास बात यह है कि मतदाता इस बार किसी के पक्ष में नहीं बल्कि किसी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। जब आप किसी के खिलाफ मतदान करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी तरफ कौन है। यहूदी पीपल्स पॉलिसी इंस्टीट्यूट यानी कि JPPI के सर्वे में पाया गया कि 63% अमेरिकी यहूदी हैरिस को वोट देने की योजना बना रही है। हालांकि ये 2020 में बाइडेन की तुलना में यहूदी समुदाय के समर्थन में गिरावट को दिखाता है। 24% यहूदी ट्रंप को वोट देने की योजना बना रही है। इसमें 95% ट्रंप के इसराइल समर्थन रुख से प्रभावित है। इन समर्थकों में 90% का मानना है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी इसराइल संबंधों को मजबूत करेगा। 56% अमेरिकियों को लगता है कि मौजूदा बाइडेन प्रशासन इसराइल का पर्याप्त समर्थन नहीं करता है। हालांकि सर्वे बताता है कि अधिकांश हैरिस समर्थकों के लिए इसराइल प्रमुख मुद्दा नहीं है, केवल ये सिर्फ 1/3 नहीं इसे मतदान मुद्दे के तौर पर लिस्ट किया है। अमेरिका में मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक तौर से डेमोक्रेट का समर्थक रहा है, हालांकि इस बार भी वो कमला हैरिस से दूर जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मिशिगन की काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने किसी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का समर्थन नहीं किया। मिशिगन में देश की सबसे बड़ी अरब अमेरिकी आबादी रहती है। यहाँ 2,50,000 मुस्लिम हैं, जिनमें आधे वोट देने के योग्य हैं। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ मिश्रित यानी कि मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ लोग वोट नहीं देने की योजना बना रहे हैं और कुछ का झुकाव ट्रंप की ओर देखा गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।